नमस्कार। न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। भाजपा सरकार में राफेल विमान सौदे में हुए करोड़ों के घोटाले को लेकर पश्चिमी सिंहभूम जिला युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष दीनबंधु बोईपाया के नेतृत्व में पोस्ट ऑफिस चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने कहा कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल विमान सौदे में घोटाले को लेकर आवाज बुलंद की है और आज वह घोटाला उजागर हो रहा है। राफेल डील में 41,000 करोड़ रुपए के मुनाफाखोरी को भले ही दबाने में भारत सरकार लगी हो, लेकिन फ्रांस की सरकार ने विमान सौदे में घोटाले को लेकर जज की नियुक्ति कर दी है और इसकी जांच शुरू हो गई है। पुतला दहन कार्यक्रम के दौरान युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता ने केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सरकार हाय 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 का जांच कराना होगा, दलाली खाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, चौकीदार चोर है, चोर है, चोर है। एसीसी सीमेंट कंपनी झिकपानी में 45 रैतों को नौकरी दिए जाने के मामले ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। क्षेत्र के वैसे ग्रामीण या मुआवजा नहीं मिला है, उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। टोंटो प्रखंड के केंदवा गांव में माइंस प्रभावित गांव के रैतों की बैठक हुई, जिसमें कंपनी द्वारा मात्र 45 व्यक्तियों को नौकरी दिए जाने पर विरोध जताया गया। बैठक में अखिल भारतीय क्रांतिकारी आदिवासी महासभा के केंद्रीय अध्यक्ष जॉन मिरन मुंडा भी शामिल हुए। ग्रामीणों का कहना है कि अब नया लीज लेने के लिए कुछ लोगों को नौकरी देने की तैयारी हो रही है, जबकि बहुत से जमीन मालिक से प्रभावित हैं। कंपनी प्रबंधन कुछ लोगों को नौकरी देकर आपस में विवाद पैदा कर रही है ताकि उनका काम आसान हो जाए। जॉन मिरन मुंडा ने कहा कि कंपनी शुरू से जमीन मालिकों के साथ विश्वासघात करती आ रही है। यदि जमीन मालिकों को न्याय दिया जाता है तो आज उनकी हालत ऐसी नहीं होती। जमीन मालिकों को लाभ में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। महासभा की ओर से जमीन मालिकों की मांग और समस्या को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा गया है। अभी हम लोग कोंदवा गांव में राजंका दोकट्टा जो जमीन मालिक है उनके साथ एक बैठक की है और इस बैठक के दौरान हम लोगों ने जो यहां के स्थानीय विधायक हैं उनके द्वारा जो एसीसी कारखाना को लीज देने का जो रास्ता बना रहा है 45 आदमी को नौकरी दे करके, इस पर हम लोग विरोध करते हुए एक बैठक करके माननीय मुख्यमंत्री को हम लोग संदेश देना चाहते हैं। हम लोग यह कहना चाहते हैं कि एसीसी कारखाना 70 साल से भी ज़्यादा हो गया इस क्षेत्र में जमीन लेकर के बिजनेस किया है। यहाँ पर जितने भी जमीन मालिक हैं आज कोई खुशहाल नहीं है और यहाँ के जमीन मालिक आज गरीबी स्तर से नीचे चला गया है, जबकि एसीसी कारखाना में जितने भी बाहर के लोग हैं जिसका जमीन नहीं गया और जो यहाँ पर कंपनी में ठेका पट्टा किया, जो दलाली किया, वो आज संपन्न हो गया, लेकिन जो जमीन मालिक है वो फटेहाल हो गया। ऐसी स्थिति पर हम एक रिपोर्ट देना चाहते हैं। यह रिपोर्ट में वर्ष 2000 और 2015 के बीच में अवैध माइनिंग हुआ जिसमें 900 करोड़ का घोटाला हुआ और ये एसीसी कारखाना जब खनन विभाग केस करता है तो हाईकोर्ट में वहाँ का महाधिवक्ता को पैसा दे करके करोड़ों रुपया का दे करके मात्र 48 करोड़ रुपया ही जुर्माना भरता है, बाकी पैसा जो है माफ़ हो जाता है। लेकिन जिस क्षेत्र में माइनिंग हो रहा है वहाँ के जो जमीन मालिक हैं, वहाँ के जो क्षेत्र है वो पूरी तरह से उजड़ जा रहा है। तो हम यह कहना चाहते हैं, तो सवाल है, एसीसी कारखाना 900 करोड़ में जमीन मालिकों को कम से कम 1-1 करोड़ का उनको हिस्सेदारी दे और जो लीज खत्म हो गया है वो जमीन को समतल करके उसको जो है वापस कर दे, खेती योग्य बना करके। और नौकरी का जहाँ तक बात है तो नौकरी में एक आदमी को नहीं, अगर जमीन का हिस्सेदारी में 4 भाई हैं तो 4 भाई को नौकरी मिले ताकि आपस में भविष्य में भाई भाई में लड़ाई का कोई जगह ना बने। ऐसे स्थिति पर या जो एसीसी कारखाना मुआवजा जो है समता जजमेंट के तहत हिस्सेदारी का जो प्रावधान है हिस्सेदारी देने का भी प्रावधान गारंटी दे।
नाम है लिंगलाकुरी। जमीन इतना चल गया दस कड़ा, पैसा भी नहीं मिला, मोजा भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, नौकर फोकरी भी नहीं मिला। दस कड़ चले गया उसी में फेरी में। आपका गांव? मेरा गांव कोंदवा। कोंदवा है? हाँ। तो 45 आदमी में आपका नाम है? नहीं है, मेरा नाम नहीं है। आपका नाम? सुधीर गोटसरा। गांव? कोंदवा। आपका एसीसी खदान में जमीन गया है? जी। कब गया है? बहुत 7 पहले। पहले गया है? हाँ। तो आपका मुआवजा मिला? नहीं। तो अभी 45 आदमी में आपका नाम है कि नहीं है? नहीं है। तो आप क्या कहना चाहते हैं सरकार से? जमीन के बदले नौकरी? नौकरी और पैसा मुआवजा चाहिए। चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम है सुनैल अग्री। गांव? कोंदवा। क्या एसीसी कारखाना जमीन के बदले नौकरी दिया? नहीं दिया। और मुआवजा दिया? नहीं। कितना जमीन गया? बारह एकड़। अच्छा, तो सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं? नौकरी और पैसा। चक्रधरपुर रेल डिवीजन के डीआरएम विजय कुमार साहू ने आज जुरुली में क्रू लॉबी का उद्घाटन किया। उत्कृष्ट कार्य करने के लिए आरएसओ और इंजीनियरिंग विभाग को 51,000 रुपए देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान रेल मंडल के सभी वरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। चक्रधरपुर रेलवे मेंस कांग्रेस के मंडल संयोजक शशि मिश्रा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने डीआरएम से मिलकर 5 सूत्री मांग पत्र सौंपा, जिसमें भारतीय रेल को सबसे ज्यादा राजस्व देने वाले रेलखंड में से एक डांगवापोसी सेक्शन में रेल कर्मचारियों की मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने की मांग की गई है। मेंस कांग्रेस ने जुरुली में स्वास्थ्य केंद्र खोलने, सहायक लोको पायलट का ट्रांसफर पॉलिसी को सुचारू रूप से लागू करवाने, जितने भी लोडिंग पॉइंट है वहाँ उचित प्रकाश की व्यवस्था करने, चक्रधरपुर रेल मंडल के इलेक्ट्रिकल जनरल विभाग में आवासों की मरम्मती हेतु जरूरी स्टॉक आइटम उपलब्ध करवाने और इंजीनियरिंग विभाग में कार्यरत ट्रैक मेंटेनर को आवास भत्ता का भुगतान करने की मांग की गई है। सड़क सुरक्षा समिति की मासिक बैठक पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में उपायुक्त ने सड़क दुर्घटना से बचाव के लिए कई निर्देश दिए। समाहर नाले सभा कक्ष में सड़क सुरक्षा समिति की हुई बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी अजय तिर्की, सदर एसडीओ शशींद्र बड़ाइक, जगन्नाथपुर के एसडीओ शंकर एक्का, सदर एसडीपीओ दिलीप खलखो के अलावा सड़क सुरक्षा समिति के सदस्य मौजूद थे। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि ISI मार्का वाला ही हेलमेट उपयोग में लाना है। नकली हेलमेट बिना ISI मार्का वाला बेचने और उपयोग में लाने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त ने चक्रधरपुर पुल के समीप और कराईकेला बाजी कुसुम के पास घुमावदार सड़क पर हो रही दुर्घटना को लेकर सुरक्षा समिति को स्थल का जायजा कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने सड़क किनारे सूखे पेड़ को भी काटने का निर्देश दिया है। उपायुक्त ने सड़क सुरक्षा में बेहतर कार्य करने वाले सड़क सुरक्षा सदस्यों को सम्मानित करने का भी निर्णय लिया है। देशावली में ग्रामीणों को गोवारी कराने के संदेश को लेकर आज आदिवासी हो समाज महासभा, युवा महासभा और सेवानिवृत्ति संगठन के पदाधिकारियों द्वारा क्लब भवन हारी गोटू में सामूहिक गोवारी कार्यक्रम आयोजित किया गया। तीनों संगठनों के लिए प्रत्येक महीने के पहले रविवार को विशेष रूप से सामूहिक गोवारी कार्यक्रम निर्धारित किया गया, ताकि सभी गांव के ग्रामीण प्राकृतिक आस्था के प्रति जागरूक हो सके। इस कार्यक्रम के बाद नेहरू चौक स्थित मयूर होटल से महासभा भवन की ओर जाने वाली सड़क को महासभा के संस्थापक संगठन मंत्री प्रधान गागराई के नाम से पद का नामकरण करते हुए बोर्ड लगाया गया। उन्होंने महासभा की नियमावली और उद्देश्य सहित अन्य लेखन कार्य को अंतिम रूप देने में अतुलनीय योगदान दिया था।
इसी तरह राजस्व ग्राम क्षेत्र के अन्य इलाकों में भी ऐतिहासिक स्थलों और सांस्कृतिक धरोहर को पूर्वजों के नाम से नामकरण करने का संकल्प लिया गया है। सारंडा वन प्रमंडल चैबासा के किरीबुरु मेघाहातुबुरु में वन महोत्सव 2021 मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि सिंहभूम के सांसद गीता कोड़ा ने मौजूद पदाधिकारियों को पौधा देकर किया। इस मौके पर 200 पेड़ लगाए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गीता कोड़ा ने कहा कि पृथ्वी के संतुलन में छेड़छाड़ के कारण हमें काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है और हमारे आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करने के लिए पेड़ लगाना आवश्यक है। CISF के सहायक कमांडेंट जयंत वर्मा ने कहा कि सभी लोगों को एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए। सारंडा वन प्रमंडल पदाधिकारी चंद्रमौली प्रसाद सिन्हा ने कहा कि वन की सीमाएं कम हो रही हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए 1950 में वन महोत्सव की शुरुआत की गई। वर्तमान में 15,000 स्क्वायर किलोमीटर वन क्षेत्र बढ़ गया है। सारंडा वन को और ज़्यादा सघन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की आवश्यकता है। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल ने CSR कमेटी की बैठक की। बैठक में उपायुक्त ने CSR के तहत रोजगार सृजन और कोरोना वायरस की अगली वेब को लेकर कई दिशा निर्देश दिया। समाहरण नाले सभागार में हुई बैठक में कोरोना वायरस के अगले वेब के तैयारियों के बारे में जायजा लेते हुए उपायुक्त ने सेल किरीबुरु को निर्देश दिया कि माह जुलाई 2021 तक ICU की संपूर्ण व्यवस्था कर कार्य को पूरा करेंगे। उपायुक्त ने माइंस से संबंधित कंपनियों को निर्देश दिया कि माइंस कार्य से पर्यावरण और जल प्रदूषित होता है, इसके लिए क्षेत्र में शुद्ध पर्यावरण और शुद्ध पेयजल के लिए एजुकेटेड फेलो की नियुक्ति कर रणनीति तैयार करें ताकि ग्रामीणों को शुद्ध पर्यावरण और पेयजल मुहैया कराया जा सके। उपायुक्त ने कहा कि जिले में कई प्रकार के वन उत्पाद हैं जिसका CSR के तहत संग्रहण प्रोसेसिंग और मार्केटिंग कर अच्छा आमदनी कराया जा सकता है। इसके लिए HSG ग्रुप के द्वारा प्रोसेसिंग जिला के विभिन्न निधियों का उपयोग कर किया जा सकता है। साइंसपन झिकपानी में आज दूसरे दिन भी वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया जिसमें 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 19 और 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 81 यानी कुल 100 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। इस तरह दो दिनों में साइंस पंच के द्वारा कुल 350 लोगों को वैक्सीन लगाया गया। झारखंड के 8 IPS अधिकारियों का तबादला किया गया है। कुल्हान के DIG राजीव रंजन सिंह का तबादला कर रांची का DIG बनाया गया है, जबकि धनबाद के SSP असीम विक्रांत मिंज को कुल्हान का DIG बनाया गया है। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।